अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? तो ये है 24th का दिन है, तो यहाँ पे डेकोरेशन चालू हो गई थी, तो बस अभी वो करने आ रही हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ बनाने जा रही थी, तो उसकी रेसिपी तो आपको मैं अपने किचन विद सोफ़ी में ही बताऊँगी क्या क्या मैंने इसमें ऐड करी और क्या है ये। तो ये हाफ़ डेकोरेशन तो हो गया, हाफ़ जो बलून का डेकोरेशन है। तो जिस दिन बर्थडे रहेंगे उसी दिन ये बलून लगे हैं, क्योंकि जो बलून है वो एक दिन पहले नहीं उसको अभी शाम का बना वक्त हो रहा सकते। है, यहाँ पे मैं चाय लेके खड़ी हूँ ताकि मेरी चाय ठंडी हो जाए। मैं बैठ के पीऊँगी, खड़े रह के नहीं पीती हूँ मैं कोई भी चीज़। पानी जो भी लिक्विड चीज़ है वो मैं बैठ के ही पीती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं आपको एक बात शेयर करने आई। प्लान कुछ ऐसा था, मेरी बहन का कल बर्थडे है, आज 24 है और कल 25 है। तो कल मेरी बहन का जो है बर्थडे है, तो मेरा ऐसा कुछ प्लान था कि मैं केक बनाऊंगी। और जैसे कि आपने देखे कि मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखी हूँ, वो करके रख दी हूँ, तो वो कल कुक होगा। और मैंने सोची थी कि बिरयानी को जो है ऑर्डर कर देना है, क्योंकि एक बार हम लोग ने बिरयानी जो ऑर्डर करे तो बहुत ही टेस्टी वाइट चिकन बिरयानी थी, बहुत ही टेस्टी थी। वो मेरे मामू ने बताए थे कि ये बिरयानी खाओ बहुत टेस्टी है, तो वो बहुत पसंद आई थी मुझे क्या मेरे घर में सभी को पसंद आई थी। तो वो उस ख्याल था कि वो ऑर्डर कर देंगे, पर वो हुआ यूँ कि वो अंकल फ़ोन ही नहीं उठा रहे। और दूसरे अंकल को जो फ़ोन करे तो वो बोले कि मैं काम पे से हट गया हूँ, मतलब जो वर्कर थे तो उनको लगा, तो बोले मैं काम पे से हट गया हूँ, तो मैं कांटेक्ट मतलब आप मेरे से मत कांटेक्ट करें, आप उधर करें कॉल। और वो अंकल को फ़ोन कर रहे हैं, कब से फ़ोन कर रहे हैं, एक बार उठाए फिर उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठा रहे वो, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे। तो प्लान कुछ ऐसा है कि अब काम ज़्यादा हो गया है और केक शायद मुझे स्किप करना पड़े या ना स्किप करना पड़े, क्योंकि केक में ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे केक को स्किप करना पड़ेगा। बिरयानी में थोड़ी बहुत एक्सपर्ट हूँ, उसमें मम्मी भी शामिल हो जाएंगे मदद करने के लिए, तो वो बन जाएगा बिरयानी। पर केक का मैं सोची क्या करूँ। और वैसे तो उसने ऑर्डर करी है केक वगैरह तो ऑर्डर हुआ है, पता उसने नहीं ऑर्डर करी है, मेरा कज़िन है वो लेके आ रहा है। तो केक तो हो जाए, ऑर्डर हो गया है, पर मैं सोची थी मैं खुद से भी एक मतलब केक बनाऊँ। तो मेरी गिफ्ट ये थी कि मैं जो खाने का जो भी है वो मैं संभाल लूँगी, मतलब वो मेरी तरफ से उसको गिफ्ट रहेंगे, और उसको भी बहुत पसंद है वो वाइट बिरयानी। तो मैंने सोची कि वाइट बिरयानी बनाऊँ अब या रेड बनाऊँ, तो मैं ये सोच रही हूँ। तो खैर देखो, ज़्यादातर तो मेरी उम्मीद है कि मैं वाइट ही बनाऊँ। अब देखो मैं कौन सी बिरयानी बनाती हूँ कल। और ये व्लॉग आधा व्लॉग मैं आधा आधा करके आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि सेलिब्रेशन का मैं अलग शेयर करूँगी और ये सब प्रिपरेशन की मैं अलग शेयर करूँगी। तो मेरा ये था कि मैं उसको केक दूँ और चिकन जो मैंने मैरिनेट करी रखी वो और बिरयानी, ये सब मेरी तरफ से था। और केक वगैरह तो सब हो गया ऑर्डर वगैरह, पर अभी ये जो बिरयानी का जो है वो मुश्किल आ रही है, तो उसको मैं सोच रही हूँ मैं खुद भी बना सकती हूँ। तो टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एक ही वक्त है, उसमें केक भी रेडी करना है और बिरयानी भी, तो उसका मैं सोच रही क्या करना है। तो खैर देखते हैं आगे क्या करना है। और मुझे कल क्या ड्रेस पहनना है वो भी मुझे निकालना है, क्या मैं पहनूँगी उसका ड्रेस वगैरह मैं कल बताऊँगी आपसे। तो अभी मैं चलो रखती हूँ, क्योंकि कोई ठोक रहा है, बाद में मैं मिलती हूँ आपसे। मैं बोल रही हूँ, हाँ तो वैसी टेस्ट रहना चाहिए, टेस्ट और अच्छा रहेगा तो चलो, क्योंकि बम्बई से मेहमान आ रहे हैं। हाँ तो आपको एड्रेस मालूम है ना, आपका बंदा आया था इधर, बात मैंने आपसे शेयर करके थोड़ी देर हम लोग चाय वगैरह पीने बैठे थे, तो अंकल का फ़ोन आया और अंकल ने बोले कि ऑर्डर का हम लोग ने बोले, तो उन्होंने फिर कंफर्म कर ली। तो फिर मैंने सोची अब मैं केक भी बना लूँगी, और वो जो चिकन का मैंने आपने देखे वो बना के रखी हूँ तो भी बना लूँ। और यहाँ पर मम्मी साड़ी पहनने का सोच रहे थे, तो वही हम लोग चेक कर रहे थे कि मम्मी कौन सी साड़ी पहनेंगे। और एक और बात मुझे आपसे शेयर करनी थी कि वो जो चिकन का है ना, मैंने मैरिनेट तो करके रखी, पर वो मैं बनाना ही भूल गई, अब वो किचन में वैसी की वैसी रह गया। और
मैं बना ही नहीं पाई, तो वो वैसे ही रह गए। तो सोच रही हूँ मैं आज शाम में उसको बना लूँगी। और खैर वैसे भी जो होता अच्छे के लिए होता है, अगर वो मैं करती तो कुछ लोगों को मिलता, कुछ लोगों को नहीं मिलता, तो वो अच्छा नहीं रहता। क्योंकि मैंने एकदम हिसाब से करी थी, वो मंगाई थी, मुझे नहीं पता था इतने लोग हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी ये कंप्यूटर में अपनी वीडियो देखने। और है ना, मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ कि ऐसा कुछ फंक्शन होता है ना, तो उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है, उसके एक दिन पहले भी बहुत अच्छा लगता है। तैयारी वगैरह करने में दिन चले जाते हैं और फिर खुशी होती है सब आने वाले। उसके दूसरे दिन इतना बोर होता है, सबकी इतनी याद आती है, कुछ पल के लिए इतनी खुशी मिलती है, फिर कुछ दूसरे दिन ही। इससे पहले भी हम लोग जब इसके बर्थडे पे गए थे ढाबा, उसके दूसरे दिन बहुत बोर हो रहा था, और दूसरे दिन फिर मतलब बर्थडे के दूसरे दिन वाले दिन कुछ पकाना ही नहीं है मुझे, मतलब आज के दिन मुझे कुछ पकाना ही नहीं था, इसलिए पकाना नहीं था क्योंकि बिरयानी भी थी, फिर पापा ने बाहर से सालन ला लेके आ गए थे, और फिर मैंने चावल बना दी थी बस, आगे कुछ भी पकाना नहीं था। और यहाँ पे देखो मैंने ना ये कलर मंगाई हूँ, फूड कलर मंगाई हूँ, मेरे उसमें केक बनाई ना उसमें ऐड करने का था। और मैंने सोची थी कि मैं ना पूरे सेट ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि बार बार फिर मंगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कलर है फूड कलर जो है 9, पूरे 9 है सेट इसके। तो आज का दिन तो बहुत ही मतलब अच्छा ही नहीं गया, क्योंकि सब चले गए और सब सुमसाम हो गए, एकदम कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो बस यही चल रहा था आज। और क्या मैं आपसे शेयर करने वाली थी, भूल गई मैं। तो मैं ये आपसे ये शेयर कर रही थी कि डेकोरेशन वगैरह जो भी हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कैसा डेकोरेशन करे और तहसीन ने क्या पहनी थी वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैंने सिर्फ म्यूज़िक ही ऐड करी हूँ, मैंने कोई वॉइस ओवर आपको दी नहीं, और मैंने सिर्फ म्यूज़िक ऐड करी। तो वहाँ पे तो सिर्फ मैंने म्यूज़िक ऐड करी, और बिरयानी पहले की जैसे बहुत ही टेस्टी थी, बहुत अच्छी लगी वो बिरयानी, सभी को बहुत पसंद आई। कि वो बिरयानी से पहले भी हम लोग ने खा चुके थे, तो मैंने सोची वो ही ऑर्डर करूँ मैं। और मेरा जो गिफ्ट है मैं क्या दी हूँ तहसीन को, मैंने ये खाने का तो करी थी, पर मैंने तहसीन को क्या गिफ्ट करी हूँ वो भी मैं आपसे इसमें शेयर करूँगी। उसको वो गिफ्ट बहुत पसंद आया, और बोल रही थी कि मुझे मतलब सब गिफ्टों में वो गिफ्ट ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे मैंने केक की प्रिपरेशन करके रख दी, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाने वाली जो आपको मिलने वाला है किचन विद सोफ़ी में। अगर आपने अभी तक मेरा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते, इसकी फुल डिटेल वीडियो आने वाली है किचन विद सोफ़ी में। और यहाँ पे मेरा केक बन जाएगा, और ये जो प्रलाइन बनाई थी मैंने उसको मैंने यहाँ सुखाने रखी हूँ, ये सूखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो कड़क होता है ना ये सूख के ही होता है कड़क, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बस ये यहाँ रखी, और इस दिन तो बहुत काम था और मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था अपलोड करने का, वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि मेरी दो वीडियो पहले ही पेंडिंग थी। या मैं टेबल वगैरह पूरा साफ कर दी साथ। और हाँ, मैं आपसे ये बात शेयर करना तो भूल गई कि मैंने ये सोची थी कि आज तो बिरयानी आने वाली शाम में, तो कल का जो भी है वो खा लेंगे, और आज किचन में कुछ काम नहीं। पर किचन में इतना काम था, मुझे इतना काम था कि हद हो गई। मैंने रोज़ जितना काम करती हूँ उससे ज़्यादा ये टाइम किचन में काम था। और फिर दोपहर वगैरह में ना मेरे को जो लगा दाल चावल होगा, पर दाल चावल भी नहीं था, तो फिर मैंने ना पुलाव बनाई थी, चिकन पुलाव मैंने जल्दी से कुकर में बनाई, क्योंकि काम वगैरह करके ना बहुत थक गए थे, और थकान से ना इतनी भूख लगी कि मतलब किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो मैंने फटाक से जल्दी से वो चिकन पुलाव बनाई, और जल्दी जल्दी में इतना टेस्टी बना वो पुलाव, भूख भी लगी थी, और फटाफट खाए गरम गरम पुलाव हम लोग ने खाए। और बहुत कम बनाई थी, मतलब एक डेढ़ ग्लास बनाई थी और ख़त्म भी हुई है वो उसी टाइम। उसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं करी, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी किचन विद सोफ़ी में। तो बहुत भूख लगी थी, फिर मैंने वो चिकन का पुलाव बना दी थी, और जल्दी में बहुत जल्दी बनी, बहुत ही टेस्टी बना था, वाकई बहुत टेस्टी बना था वो, ऐसा लग रहा था
शाम की बिरयानी और ये पुलाव दोनों भी बहुत टेस्टी बनी थी, कसम से बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। अब यहाँ पे मैं केक को डेकोरेट कर दूँगी और ये सब में मेरा ना दिन चले गया। और ये सब बनाने के बाद ही फिर मैंने वो चिकन का पुलाव बनाई थी, बहुत टेस्टी बना था वो पुलाव भी। यहाँ पे बस डेकोरेट कर रही हूँ। मेरे से सिर्फ केक में ना एक गलती हो गई कि जो मेरा केक बनाने का जो कंटेनर था ना वो चौड़ाई में ज़्यादा था, लंबाई में कम था। मुझे वही बात का बहुत अफसोस रहा क्योंकि ये चौड़ाई में ज़्यादा होने से ना थोड़ा सा इसके ना केक जो है ना पतला बना। अब यहाँ पे डेकोरेशन चालू है और बस आधे से ज़्यादा हो गई है और ये रूम भी बहुत घान हो गया था, तो फिर वो रूम जब का डेकोरेशन हो गया तो मैंने जल्दी से ये रूम साफ़ कर ली, झाड़ू वगैरह मार ली। तो यहाँ पर मेरा चिकन का पुलाव जो है वो रेडी हो गया था, कुकर में बनाई थी ना तो दो सीटी में जल्दी से बन गया था। और यहाँ पे अभी सब तैयारी कर रही है मेरा कज़िन है और यहाँ पे सब अपना जिसकी जो काम है वो काम कर रहे थे, जिसको क्या लाने बोले थे मम्मी ने वो सब अपने अपने काम लग कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग सजाते टाइम बहुत मस्ती भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। कि फिर बर्थडे के दूसरे जिन दिन जो गया ना बहुत बेकार गया, वो ज़रा भी नहीं अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था क्यों बर्थडे हुआ। और तो ये मैं ड्रेस पहनने वाली, इस्त्री वगैरह कर ली और ये बेड को भी सही कर ली, चादर वगैरह भी छा दी। ये जो कुशन मैंने आपसे शेयर नहीं करी थी ना हॉल वीडियो में, डेकोर हॉल वीडियो में, तो ये देखो ये मैंने कुशन भी ली हूँ मीशो से। और इतने अच्छे नहीं है, इतने अच्छे नहीं, खास नहीं है, बस ठीक है, काम चलाओ है। ऐसा डेकोरेशन के लिए रख देंगे तो काफ़ी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा, और ये जो फ्लावर्स मैंने मंगाई है ना ये भी मैंने मीशो से मंगाई हूँ, इसका मैंने हॉल वीडियो अभी तक शेयर नहीं करी। तो ये रूम भी क्लीन हो गया है, थोड़ी कुर्सी इधर लाना पड़ा क्योंकि वो रूम में कुर्सी है ना, तो ये रूम में कुर्सी और टूल एक लेके आ गए, बाकी की कुर्सी उधर ही रखे क्योंकि उधर भी सब बैठेंगे ना इस वजह से। तो यहाँ मगरिब का टाइम हो रहा था, तहसीन चली गई थी तैयार होने, यहाँ पे मैं अब तैयार हो रही हूँ। और बस ये मैं ड्रेस वगैरह पहन ली अपना, और मम्मी ने साड़ी नहीं पहने क्योंकि वो इस्त्री की जो दुकान थी ना अंकल जो इस्त्री करते वो बंद थी, तो इस वजह से वो नहीं पहन पाए। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप करने आ गई थी और ये ड्रेस मैंने पहनी हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए ये ड्रेस मैंने पहनी हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और मैंने ना उस पर सेट भी एक पहनी थी, मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह हॉल वीडियो में। और यहाँ पे केक वगैरह भी आ गया था, तो केक वगैरह भी मैं आपसे उसी में शेयर करूँगी कौन सा केक आया। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।